यो व्हाट्स द वीडियो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड देखो आज हमारे साथ फिर से कौन आई है, मम्मी जी। मम्मी को हम लाए हैं फिर से, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए व्यूज, क्योंकि मम्मी व्यूज दिलाती है। और मम्मी के साथ हमने लास्ट टाइम करा था गेस द बेबी यूट्यूबर, एंड आप लोगों को इतनी अच्छी लगी थी, नंबर 2 इंडिया ट्रेंडिंग कर रही थी। तो मैंने कहा मम्मी एक चैलेंज और सही, आज हम आपके साथ करेंगे गेस द यूट्यूबर बाय देयर फेमस डायलॉग्स। ठीक है, फेमस डायलॉग्स पता है पिछली बार भी ऐसे ही बोला था कि मुझे कुछ नहीं आता और सारे सही बता देते। एक बार बताओ ये वाला फेमस डायलॉग किसका है। ऑलराइट, तो ये व्हाट्स द वीडियो। तो देखो जब इतने फेमस यूट्यूबर्स का जब आपको डायलॉग पता है तो फिर आप जीत ही सकते हो। बहुत अलग अलग यूट्यूबर्स के फेमस डायलॉग्स हम आज यूज करने वाले हैं। और आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चलते हैं यहाँ से पहले यूट्यूबर पे, लेट्स गो फैमिली। ओके, तो मम्मी पहला है अपनी पूरी ऐश जेब में रखा कैश है। अगर मम्मी आपने ये नहीं बताया ना तो आई थिंक इससे ज्यादा फेमस डायलॉग हो ही नहीं सकता। डायलॉग तो बहुत बार सुना है, इसका है इसका है कुछ तो वो चाहिए। अच्छा, अब इनको हिंट भी चाहिए पहली बारी में। चाहिए गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोगों को तो पता ही होगा किसका फेमस डायलॉग है ये। मम्मी कम ऑन, चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये यूट्यूबर जो है ना ये दिल्ली का है, क्योंकि डायलॉग से पता चला दिल्ली वाले फ्लेक्सिंग करते हैं ना। कम ऑन मम्मी, अब तो पता है आपको, यूट्यूबर मैंने डिवाइड कर दिया मुंबई और दिल्ली में, अब आप दिल्ली का एक यूट्यूबर है जो ऐसे डायलॉग मारता है। इतने यूट्यूबर है मेरे को क्या पता। और एक और हिंट, वो वरुण धवन जैसा लगता है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता, बहुत हिंट दे दी मैंने मम्मी को। मेरे को तो लगता है इस बार पहली गई। अभी तक नहीं पहचान पाए। ओके, तो मम्मी का फर्स्ट राउंड मम्मी हारती है, क्योंकि ये है नन अदर देन हर्ष बेनीवाल। ओह माय गॉड, अरे कोई बात नहीं ना, पहला तो कच्ची मिट्टी होता है ना, पहला तो कैंसिल। अगर मम्मी जीत जाती है ना तो मम्मी कहते कोई कच्ची मिट्टी नहीं, पहला गिना जाएगा, और हारती तो पहली कच्ची मिट्टी माना जाएगा। मम्मी का हो गया एक गलत, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। यहाँ से चलते हैं second YouTuber, but let's go. Yo, what's up, your boy Kisali GWT, how we all doing? Yes. Yo, what's up, your boy Kisali GWT, how we all doing? Yes. Mummy, ye mere editor ne literally us bande ka naam bhi dal rakha hai. उसने बोला यो इट्स योर बॉय केएसआई लेजेंडरी यो बैक, यो इट्स योर बॉय केएसआई लेजेंडरी यो बैक। अबे कसम से मोपी, तेरा मन कर रहा है तेरे को मुंह पे थप्पड़ मारूं कसम से। भाई साहब बंदे ने इंट्रो में का नाम ही डाल दिया। यो व्हाट्स अप योर बॉय केएसआई लेजेंडरी, हाउ वी ऑल डूइंग? यस, यो इट्स योर बॉय केएसआई लेजेंडरी। चलो मम्मी को एक ग्रेस पॉइंट मिला ना, समझ के भी कुछ समझ तो आया, ग्रेस पॉइंट दे दिया। ओके, तो नेक्स्ट यूट्यूबर पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हो जेईई एस्पिरेंट तो आपके लिए अनअकैडमी लाया है 18th, 19th और 26th दिसंबर को अनअकैडमी चैंपियंस लीग। इसमें 18th और 19th दिसंबर को होने वाला है ग्रुप स्टेजेस, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस होने वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, जो आपको एक घंटे के अंदर करने हैं। एंड 26 दिसंबर को आपके होने वाले फाइनल राउंड, जिसके अंदर 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 घंटे मिलेंगे आपको वो राउंड कंप्लीट करने के लिए। जो 50 टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेगा 100% स्कॉलरशिप बाय अनअकैडमी, एंड उनको मिलेगा 20,000 के वाउचर्स Amazon के। एंड जिन्होंने पार्टिसिपेट करा उनको रैंडमली मौका मिल सकता है मैकबुक एयर, डेल लैपटॉप एंड इको डॉट जीतने का, और तो और आपको मौका मिल सकता है सचिन तेंदुलकर से मिलने का, इतने लकी हो सकते हो आप। एंड 19th दिसंबर को अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट, जिसके अंदर 21 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आपको 60 मिनट्स मिलने हैं उसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप आते हो टॉप 450 स्टूडेंट्स में तो आप स्कॉलरशिप्स एंड ऑल सब जीत सकते हो, एंड 500 रैंडम लकी पर्सन को मिलेगा जीतने का मौका, बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरा कूपन कोड यूज कीजिए, यूज कोड फॉर ग्रुप 10% ऑफ, एंड फ्री में एनरोल कीजिए, प्लस आपको 10% ऑफ मिल जाएगा हर सब्सक्रिप्शन पे। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ, लेट्स गो। तो हेलो दोस्तों, सब लोग आज के वीडियो में हम लोग वापस एक बार आ चुके हैं। हमारे ये वो है क्या, मिथिलेश। मिथिलेश कौन है? मिथपेट। अरे आपके घर की बहू है ये तो यार। इसीलिए तो जल्दी पहचान लिया। देखा, अब तक कोई पहचान नहीं जा रहा, जैसी बहू की बारी है तो सबसे पहली बारी में पहचान दिया। तो एक बार देखते हैं वो वीडियो क्लिप जिसमें ये बोलते हैं। हेलो दोस्तों, सब लोग आज के वीडियो में हम लोग वापस एक बार आ चुके हैं हमारी। अच्छा, तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, इस वीडियो में आज हम खेल रहे हैं GTA, ऐसे ऐसे बोला, जो भी बोला, मतलब जो भी बोला मम्मी कह रही है, मेरा पॉइंट सही हो गया। नेक्स्ट यूट्यूबर, लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं। कम ऑन मम्मी, यू कैन डू इट। अगर आप ये नहीं बता सकते चलिए शुरू करते हैं, मतलब हमने ही अपनी वीडियो में, मैंने जब अपना यूट्यूब चालू करता था मैं हर वीडियो में डालता था चलिए शुरू करते हैं। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। कम ऑन, मैं भी कई बार ब्लॉग या कॉपी करी।
9 हिंट दे दो ना मेरे को कुछ 8 7 5 3 2 चलिए शुरू करते हैं। मेरे को लगा मम्मी कह रहे गौरव, पर गौरव भी बोलते तो सही नाम था इनका, नाम वैसे असली में गौरव। ओके, ये मम्मी ने सच में इजीएस्ट गलत करा, दिस इज द इजीएस्ट कोई गलत कर सकता। निकला ही नहीं। तो ठीक है मम्मी, अब आपने 2 गलत और 2 सही। नेक्स्ट, ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊ। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया, ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊ पर यहाँ में पिघल गया। अगर मम्मी आपने ये नहीं बताया तो हे भगवान मैं जा रहा, मेरे को खेलना ही नहीं है। याद रहते ना क्या इसका नाम, भाई भाई से कब से नाम हो गया भाई। देखो इतना फेमस डायलॉग आपको कभी नहीं मिलेगा, वैसे मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ लेकिन यार डायलॉग तो मैंने सारे सुने हुए हैं, नाम नहीं याद आता। ये चलो आपको एक हिंट देते हैं कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन है और ये स्टैंड अप कॉमेडी का ही वो है, वो यूट्यूबर भी हैं। तो आप मम्मी क्या बताना चाहोगे? शक्ल भी याद आ रही है लेकिन नाम नहीं याद आ रहा। ऐसा करो मम्मी शक्ल डिस्क्राइब करो। ऐसे कर तू मेरे को एक फर्स्ट लेटर बोल दे। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? गाइस गाइस इन द कमेंट सेक्शन चलो मम्मी को फर्स्ट लेटर डालते हैं। जेड क्या? जाकिर जाकिर खान। अरे खान जी है, जाकिर खान जी है। और जाकिर खान गलती, ये पापा ने बताया पीछे से आवाज मार के। पापा चीटिंग मत करो यार। 3 2 1 बड़ा सख्त लौंडा जाकिर खान। मैंने कहा मैं जानती हूँ लेकिन मेरे को नाम नहीं याद आता। वैसे मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, ये डायलॉग ही मेरे लिए मम्मी, लेकिन मैं पिघलता ही नहीं। तो मम्मी को ग्रेस पॉइंट दे देते गाइस। नेक्स्ट, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। ये तो तन्मय भट्ट, ये तो नॉन का वो जो इसने वहां मुंबई जाके शूट करा था उसमें था ये। मम्मी बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, आशीष चंचलानी का फेवरेट फेमस डायलॉग है। क्या कर रहे हो? अरे मेरे से गलती हो गई यार, आशीष चंचलानी बोलना था सच में इसी को। भाई मैं मजाक से हटके बता रहा हूँ, मम्मी निश्चय के व्लॉग में भी था ये डायलॉग और ये यहीं से चालू हुआ था, उसने इस पे एक शॉर्ट भी डाली थी और मम्मी इतने कॉन्फिडेंस से, अरे तन में बटा है। जल्दी जल्दी मैं गलत बोल गई, सच में मेरे को ये पता था। तुमसे नहीं होने वाला, मैंने देख लिया तुमसे नहीं होने वाला। मतलब यार ये तो पैकअप करते हैं, पैकअप गाइस, पैकअप मम्मी का पैकअप, मम्मी से नहीं होने वाला आज। मम्मी कम ऑन यार, अगर आपको नहीं समझ आ रहा इसके बाद तू अकेला कर ले। मम्मी कह रहे यहाँ मैंने बहुत इंसल्ट करा लिया, यहाँ पर एक भी सही नहीं कर पा रही। कोई नहीं मम्मी, हम आपको जाने नहीं देंगे। ये तो बहुत ही मिस्टेक, अगर क्योंकि देखो जेन्युइन बात, अगर मेरे से कोई बोले करने को तो मैं सारे सही कर दूंगा, तभी तो हम आपको लाए हैं कंटेंट के लिए गाइस। एक ना वो कहते हैं जिंदगी में ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस था ये तो, बिल्कुल ही मेरा सच। कोई नहीं, अब आपके राइट वाले यहाँ पर है और रॉन्ग वाले यहाँ पर, चलते हैं नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मखदूमी, मेरी तरफ से आप सभी को सिर्फ आप। इसको तो जरूरत फाइनली गाइस, देयर इज समवन जिसके डायलॉग्स मम्मी पहचानती हैं। नट्रिगू। ये फाइनली मम्मी गॉट 1 आंसर राइट। फाइनली किसी के, अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमें पता था कि मम्मी गलत कर रही होगी, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम मम्मी को हमने ये वाला नेक्स्ट दिया था, ठीक है? क्योंकि हमारा नाम है मखदूमी और हम देना चाहेंगे ऑडियंस चूमी जो अब तक देख रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। मास्टर विनू कहते ऐसे ना पढ़ाना, नाम है मेरा। और मैंने ना पॉज कर दिया, मैंने कहा मेरा एडिटर ना बेवकूफ है, इसने पक्का नाम भी लिख दिया होगा, तो उसी मैंने पॉज कर दिया। और मम्मी यहाँ से मास्टर भी कह दे इसे ना पढ़ाता, नाम है अमित बढ़ाना। ये फाइनली भाई 2 सही बैक टू बैक। हाउ डज इट फील मम्मी? बहुत खुशी हो रही है दिल से, मम्मी वुड अच्छा लाइक मम्मी वुड लाइक टू से फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, क्योंकि मम्मी ने फाइनली गेस कर दिया अमित भड़ाना को। तो चलते यहाँ से नेक्स्ट पे मम्मी। क्या चल रहा है? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ, रहने दो मम्मी तुमसे नहीं हो पाएगा ये तो, 100% नहीं हो पाएगा। ओहो क्या चल रहा है इससे दोस्त, मैं नाम भी बोल देता ना मम्मी को तब भी नहीं पता चलता। चलो लेट्स डू दिस वन थिंग मम्मी, मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, बस आपको चैनल नेम बताना है। तो हम जैसे लौंडे जो ट्रेंडिंग पे नहीं आता, यूट्यूब नहीं लेके आता, उनमें से वो हम 2 लौंडे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। मम्मी चैनल बंदे का नाम है महेश केश वाला, AKA बोल दे डिम्पल बोल दे। पहली बार सुना ठगेश
लास्ट टाइम भी मम्मी ने थक भाई गलत कर दिए थे और इस बार भी मम्मी ने थक भाई गलत कर दिए। और महेश भाई का फेमस डायलॉग है, ओहो क्या चल रहा है एक से दोस्त महेश, क्या चल रहा है महेश केश वाला AKA थगेश। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। Same, mummy also doesn't know what she is doing right here. इसकी वीडियो तूने मेरे को दिखाई रोस्ट। अभी मैंने literally मेरे पे रोस्ट नहीं, मतलब हमने इनका रोस्ट करा था और इनके चैनल पे मैंने मम्मी को बैठ के पूरी वीडियो दिखाई थी कि मैं कितना अच्छा रोस्टर भी बनता हूँ, और फिर भी मम्मी आप नहीं पहचान पाए, तो क्या फायदा आपको इतने यूट्यूबर्स दिखाने का यार, अगली बार पापा को लाना पड़ेगा इस चैनल के लिए, इस चैलेंज के लिए, वो वहां से बैठे बैठे आंसर दे जा रहे यार। नेक्स्ट बिनो, 7 लोग इस कमेंट की विनोदता से इंप्रेस हो गए। कैसे ऐसा कैसे विनोद से मम्मी इंटेलिजेंट बॉयस, मम्मी ओपन द चैट, सारे कमेंट कर दो गाइस। फाइनली मम्मी ने सही गेस करा थगेश भाई के बाद, तो मैंने सोचा था मम्मी से नहीं होगा, बट यस विनोद नेक्स्ट सही खेल गया। डायलॉग यही है फेमस, सही खेल गया। आगे गाली है वो हम अपने चैनल पे बीप देते हैं और मम्मी जी का आशीर्वाद लेके फ्रेंड फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं। कौन है जो गाली वाला कंटेंट बनाता है, कौन है बताओ? कैरी। कैरी तो नहीं है ये, कौन की वाइन यार ये ना, पापा पीछे से बीबी बोल रहे हैं। भाई पापा ऐसा करो यहाँ तो आई जाओ, बीबी अपनी को बीबी को ले जाओ, चीटिंग भी पीछे से ऐसे करे बीबी, अरे आप आई जाओ ना, डिंडोरा डिंडोरा डिंडोरा, उन्होंने बीवी बोला था, बीवी आजा बस। ची और को उल्लू बनाओ, दोनों पति पत्नी मिलके हमें हमें उल्लू बना रहे भाई। ये बहुत फेमस यूट्यूबर लग रहा है, बड़ा अच्छा डायलॉग है। कौन है मम्मी ये? लग रहा है गैस नहीं हो पाएगा। इंडिया का सस्ता मिस्टर बीस् ट। क्यों बेइज्जती कर रहे हो? Come on यार, say something good about me. इतना अच्छा ओपी कंटेंट यूट्यूब में दे रहा हूँ मैं। What is this मिस्टर बीस्ट? I have my own identity, मम्मी. चुप। नहीं ये आने वाले फ्यूचर में ये मिस्टर बीस्ट बनने वाला है, बहुत अच्छा कॉन्टेंट दे रहा है ये, और लेकिन है कौन ही मैं जानती नहीं। घट्टी कर देना यहाँ से, जाओ भाई तुझा। डिंपल रानी बड़ी सियानी, बाय बाय बड़ी सियानी। अरे रुक जा पूरा कंटेंट करके जाओ। नेक्स्ट, यो व्हाट द वीडियो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस स्मार्ट लॉन्ड है, आहा हेलो बुडी गाइस, हमेशा की तरह लेके आ गए कुछ लोग का कुछ अद्भुत कुछ अविश्वसनीय। कहाँ हूँ ये अमित भड़ा मैं? लो भाई बाप, समझ नहीं पाया आप, ये फूडी वी। ओ माय गॉड, माय गॉड, भाई यार आ ही गई समझ। वो अपने इंट्रो में बोल रहे हैं हेलो फूडी, स्वागत है आपका फूडी वी में, और आज हम करने वाले कुछ अभी तो अभी खाना अभी वाना खिलाया अपने घर पे। मम्मी यार कम ऑन यार, कम ऑन ग्रो, तो बोल तो बता तो दिया हेलो फूडी फूडी वी हमेशा की तरह लेके आ गए कुछ। क्या ही तड़कता भड़कता इंट्रो था, वाह मजा आ गया। चलते यहाँ से नेक्स्ट यूट्यूबर पे। मम्मी आओ, तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? मॉम डजंट डू दिस राइट नाउ, आई एम गोइंग, आई क्विट, आई स्मैश माय आईफोन इन द वॉल। कुछ भी सुना हुआ है लेकिन मालिक तेरे बंदे ऐसे हो हमारे करम। तो कैसे हैं आप लोग? गाइस मम्मी का टाइम होने वाला है खत्म, वैसे ही गिने चुने लोगों को जानता ये उन्हीं गिने चुनों में से है। कम ऑन 10 9 8 7 6 जा भाई थोड़ा थोड़ा सांस ले ले। 2 कैरी कैरी, मैंने बोल दिया है, बोल दिया था मैंने। चीटी करते हो नहीं चीटी, जी चीटी, मैंने चीटी, बोल दिया मैंने कहा रुक जा भाई रुक जा थोड़ा सांस ले ले, उसी टाइम मैंने बोल दिया कैरी। जैसी स्क्रीन आई ना तब बोला ये हिंट नहीं का मारा मम्मी ने तुक्का। गाइस जो भी है इंसाफ करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हमें मम्मी को पॉइंट देना चाहिए या बिल्कुल देना चाहिए। मैंने पहले बोल दिया था कैरी। चलते यहाँ से नेक्स्ट, पॉइंट मिलेगा मेरे को नहीं मिलेगा, इंसाफ चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट्स अप गाइस, गेमिंग करने का समय हो गया है। आई डोंट थिंक कि मम्मी ये बता सकते हैं, फिर भी हमने हेडफोन्स पहना के मम्मी को आराम से आवाज सुनाएंगे। व्हाट्स अप गाइस, गेमिंग करने का समय हो गया है। करा गैस आवाज हो गया है। एंड हिंट पता क्या है? हाँ। ये गेमर नहीं है, गेमर नहीं है और कह रहा है गेमिंग करने का उसने बोला है गेमिंग करने का टाइम हो गया, बट वो गेमर नहीं है। और इतनी प्यारी आवाज लगती है मेरे को इस बंदे की, लिटरली मतलब दिल से मैं बोल रहा हूँ आई लव दिस क्रिएटर एज अ पर्सन एंड बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी। नाम बता दे। मैं बता दूंगा तो फिर आपको क्या लगेगा? वैसे मम्मी बता भी नहीं पाएंगे, मम्मी ने इनकी वीडियोस नहीं देखी। ही इज नन अदर देन टेक बर्नर। व्हाट्स गाइस, ये बोलते ही ऐसे, व्हाट्स अप गाइस, गेमिंग करने का समय हो गया। ये क्या है? कर सकते हो? मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ। यो जोगिंदर
जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर, यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर। मम्मी जोगिंदर इतना फेमस बंदा, इतना फेमस यूट्यूबर आपने नहीं पहचाना तो फायदा क्या मम्मी? मम्मी के ये है राइट और ये आई क्विट मम्मी इतना फेमस बंदा मैंने पहचाना नहीं। इसके बाद मम्मी को रात भर नींद नहीं आई। मैं जा रही हूँ, तू अपने आप कर ले। तो गाइस ये मम्मी के राइट, ये रॉन्ग। आप लोग अपने राइट वाले कमेंट सेक्शन में बताना और रॉन्ग वाले भी बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखना चाहते और ऐसी वीडियोस तो डू कमेंट डाउन। अनअकैडमी को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी जल्दी जाओ उसको डाउनलोड करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंसाफ करना, इंसाफ।